टैटू का क्रेज़ ऑब्वियसली जो मेरा पहला टैटू था ये हो गए इसको कुछ 6-8 साल हो गए हैं। जिस दिन मैंने पहला ये टैटू करवाया मुझे बोला गया था कि एक के बाद रुकोगे नहीं, और मैं रुका 4-5 साल। फिर उसके बाद मैंने 2 साल हो गए ये करवाया, मन नहीं हुआ मत उची, और अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट को सर्च करता रहता था इंस्टाग्राम, आजकल बड़ा आसान हो गया ढूंढना ना। तो जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो मैंने कहा वाह, इनकी जो आर्ट्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि टैटू बोल पड़ेंगे, बहुत लाइवली। इतना लाइवली है, इतना उनमें दम है कि ऐसा लगता है कि अभी वो तस्वीर बोल पड़ेगी ऐसे। वो मैंने नॉर्मली पेंटिंग्स में देखा जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो, पर उसको टैटू में कन्वर्ट करना इज़ लाइक डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर, क्योंकि स्किन के ऊपर कहीं स्किन मुड़ती है इधर उधर होती है और भी ज़्यादा मुश्किल है। सो जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अगला टैटू इनसे करवाऊंगा मैं। फिर मैंने इनको ढूंढा, ब्रिलियंट जैसा देखा था उससे बेटर ही करेंगे आई एम श्योर। मैं तो देखिए मैं आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इनका काम है ये इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं बीच में कहूँगा सर यहाँ पे ऐसा कर दो वहाँ पे ऐसा कर दो तो नहीं, वो मेरा काम नहीं है। हाँ जब क्रिकेट का विषय होगा तो मैं इनको बोलूँगा कि सर बॉलिंग ऐसे होती है बैटिंग ऐसे होती है, तो ही नोज़ द बेस्ट। एंड मैं तो यही कहूँगा कि जो ये बनाएंगे वो बेस्ट ही बनाएंगे, क्योंकि जो इनकी तस्वीरें या मैंने इंस्टाग्राम पे टैटूज़ देखे हैं दैट्स अनबिलीवेबल। बाकी भी आर्टिस्ट मैंने देखे हैं बट जो इनका काम है अनबिलीवेबल। दैट्स द रीज़न मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं चाह रहा था कि मेरा टैटू और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ यही बनाए। पेंटिंग में ये होता था कि पेंटिंग अगर हल्की सी भी कुछ हो गया तो चलो टचअप हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। जी इसमें कुछ भी गलत तो आप है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ गलत हो जाए उसे हम ठीक कर लें। बिल्कुल, यू हाँ हैव तो टू बी एट इसमें योर बेस्ट, और बिल्कुल तेंदुलकर की तरह बैटिंग करनी है, किसी और की तरह नहीं है ना, बस क्योंकि वो ही बेस्ट था। कैप्सूलल टैटू बढ़िया होंगे यार, मैं दिखा देना नीला कैप्सूल। नेचर वजह तो बंदे का वैसे टैटू करने का होर मजा आता, चेहरे पर अच्छा लग रहा देख के फील हो रहा है, बड़ा वजिया बन रहा है सू होर मजा आता करने का। मेरी वीडियो ही नहीं आती किसी वो तेरी बन रही है देख ले। पंजाब के जिन्हें भी सैलिब्रिटीज़ है वो ज़्यादातर साढ़े को आ रहे थे, उन्होंने दिल्ली ट्रैवल करना पैंदा सी या सानू चंडीगढ़ आके उन्होंने टैटू करना पैंदा सी, ते इस करके असी इत्थे स्टूडियो स्टैबलिश किया है। और इधर की जनता ही काफ़ी हैगी है जो साढ़े तो टैटू करान दिल्ली आती सी, ते हुण चाहे मेरी ट्रैवलिंग वध गई है पर यह हैगा कि जो इधर की पब्लिक हैगी है उन्होंने थोड़ी सहूलत हो गई है। Thank you.
इनसे पहली बार बात भी हुई थी जब फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा टैटू होना चाहिए जो लोग बोलेंगे बच्ची जैसा टैटू चाहिए, तो वैसा ही बन रहा है अब। जो उनका शिवा डिज़ाइन कोऑपरेटेड विद एक ओमकार एंड रुद्राक्ष पीच जो वो करवा रहे हैं आर्म बैंड स्टाइल के अंदर। जब मैं चंडीगढ़ स्टूडियो ओपन किया तो मैसेज आया सी कि टैटू कराना है इन्होंने तो शिवा दे रिलेटेड, तो महीने दो महीने तो डिजाइनिंग दी ही चल रही थी किस तरह टैटू करना है, तो सारे जानते ही है क्रिकेटर हरभजन सिंह जी को, तो बस उन्होंने डिजाइन कंप्लीट किया तो उन्होंने हूँ टाइम मिले टैटू करा का, तो उन्होंने टैटू कर रहे हैं तो वो खुश भी बड़े है, हाली टैटू कंप्लीट भी नहीं होया तो खुश है, तो सानू भी बड़ा मज़ा आ रहा कि साढ़े टैटू तो खुश है। टैटू का क्रेज ऑब्वियसली जो मेरा पहला टैटू था ये हो गए इसको कुछ 6-8 साल हो गए, जिस दिन मैंने पहला ये टैटू करवाया मुझे बोला गया था कि एक के बाद रुकोगे नहीं, पर मैं रुका 4-5 साल, फिर उसके बाद मैंने 2 साल हो गए ये करवाया मन नहीं हुआ मत दूजी, और अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट को सर्च करता रहता था इंस्टाग्राम, आजकल बड़ा आसान हो गया ढूंढना ना, तो जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो मैंने कहा वाह इनकी जो आर्ट्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि टैटू बोर्ड पड़ेंगे, बहुत लाइवली, इतना लाइवली है, इतना उनमें दम है कि ऐसा लगता है कि अभी वो तस्वीर बोल पड़ेगी ऐसे। वो मैंने नॉर्मली पेंटिंग्स में देखा जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो, पर उसको टैटू में कन्वर्ट करना इज़ लाइक डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर, क्योंकि स्किन के ऊपर कहीं स्किन मुड़ती है इधर उधर होती है और भी ज़्यादा मुश्किल है। सो जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में मैंने कहा अगला टैटू इनसे करवाऊँगा, फिर मैंने इनको ढूंढा। ब्रिलियंट जैसा देखा था उससे बेटर ही करेंगे ये आई एम श्योर। मैं तो देखिए मैं आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इनका काम है ये इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं बीच में कहूँगा सर यहाँ पे ऐसा कर दो वहाँ पे ऐसा कर दो तो नहीं, वो मेरा काम नहीं है। जब क्रिकेट का विषय होगा तो मैं इनको बोलूँगा कि सर बॉलिंग ऐसे होती है बैटिंग ऐसे होती है, तो ही नोज़ द बेस्ट। एंड मैं तो यही कहूँगा कि जो ये बनाएंगे वो बेस्ट ही बनाएंगे, क्योंकि जो इनकी तस्वीरें या मैंने इंस्टाग्राम पे टैटूज़ देखे हैं दैट्स अनबिलीवेबल। बाकी भी आर्टिस्ट मैंने देखे हैं बट जो इनका काम है अनबिलीवेबल, दैट्स द रीज़न मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं चाह रहा था कि मेरा टैटू और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ यही बनाया। पेंटिंग में ये होता था कि पेंटिंग अगर हल्की सी भी कुछ हो गया तो चलो टचअप हो जाएगा ठीक कर लेंगे जी, इसमें कुछ भी गलत तो आप है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ गलत हो जाए तो उसे हम ठीक कर लें। बिल्कुल यू हैव टू बी एट योर बेस्ट, और तेंदुलकर की तरह बैटिंग करनी है किसी और की तरह नहीं है ना, क्योंकि वही बेस्ट है।